एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि ऑन द रोड टू क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए ऑन द रोड टू। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। ऑन द रोड टू समथिंग का मतलब होता है लाइकली टू अचीव समथिंग। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हो इंडिया इज ऑन द रोड टू प्रोस्पेरिटी, तो इस सेंटेंस का मीनिंग हुआ इंडिया इज लाइकली टू अचीव प्रोस्पेरिटी। यानी इस बात को आप हिंदी में ऐसे कह सकते हैं, भारत खुशहाली के राह पर है या इंडिया तरक्की के राह पर है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि ऑन द रोड टू का सेंस है लाइकली टू अचीव। अगर आपको कहना हो उसका बिजनेस तरक्की के राह पर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज बिजनेस इज ऑन द रोड टू ग्रोथ। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है हिज बिजनेस इज लाइकली टू अचीव ग्रोथ, यानी उसका बिजनेस तरक्की के राह पर है। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर आपको कहना हो उसका करियर खत्म होने के राह पर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे हिज करियर इज ऑन द रोड टू एंड, यानी उसका करियर खत्म होने के राह पर है। अगर आपको कहना हो यह कंपनी घाटे के राह पर है या बर्बादी के राह पर है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस कंपनी इज ऑन द रोड टू डिफिशियंसी, यानी यह कंपनी बर्बादी के राह पर है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक को शानदार तरीके से सीखा। ऑन द रोड टू का मतलब होता है कि राह पर होना, यानी लाइकली टू अचीव समथिंग। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को शानदार तरीके से सीखा, तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं चेक करके बता सकूं कि आपने सही सीखा या गलत। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।